गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको पहले शेयर कीजिए, और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आज काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर एंड मिरर इमेज से रिलेटिव जितना भी ट्रिक है, जितना भी क्वेश्चन है, उसको पहले क्लियर करते हैं। देन आफ्टर पेपर कटिंग का कुछ ट्रिक्स है उसको जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज क्या होता है, तो देखिए अगर हम मिरर का बात करते हैं तो मिरर में क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर इस तरह करके खड़ा है तो उसका मिरर क्या होता है कि उसका अपोजिट होता है, सेम वही दिखता है बट इसका चेहरा क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अगर ये हैंड इस तरह का एरो लगा हुआ हैंड है, वो क्या होता है कि इधर आ जाता है, ठीक है ना, बिना एरो लगा हुआ हैंड उसका पिछला तरफ चल जाता है, बाल बाकी वो क्या होता है सेम उसी तरह होता है, ठीक है ना। अगर इस तरह करके यहाँ पे एरो लगा हुआ है तो वो इधर आ जाता है, बाल बाकी इसी तरह रहता है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, कोई भी डिजिट मान लीजिए कि वो जी है, ठीक है ना, जी डिजिट है, तो अगर जी का मिरर इमेज निकालेंगे तो सेम इसी तरह रहेगा, सिर्फ इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह होगा, सेम इस तरह, ठीक है। अगर जी का बात किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, मिरर इमेज, सेम रहेगा बट इसका उल्टा दिखेगा, ठीक है। अगर ए का मिरर इमेज बात किया जाए तो वो ए ही होता है। तो कुछ कुछ ऐसा अल्फाबेट का अगर बात करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा अल्फाबेट्स है जिसका मिरर इमेज अलग होता है, बट कुछ कुछ ऐसा अल्फाबेट्स है जिसका मिरर इमेज क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे कि ए, तो ए का मिरर इमेज ए ही होगा, बी, बी का मिरर इमेज क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, सी, इसका भी मिरर इमेज क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, डी चेंज हो जाता है, ई, ई भी चेंज हो जाता है, देन एफ, एफ का मिरर इमेज भी चेंज होता है, जी, जी का मिरर इमेज भी क्या होता है, चेंज होता है, एच, बट एच का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, एच का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, ठीक है, ए का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, आई, तो आई का भी मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, जे, जे का मिरर इमेज चेंज हो जाता है, आई का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, के, के का मिरर इमेज चेंज होता है, ठीक है, के का मिरर इमेज चेंज होता है, एल, एल का भी मिरर इमेज चेंज होता है। चलिए आगे देखते हैं, एम, तो एम का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, एम के बाद एन, तो एन का भी मिरर इमेज चेंज होता है, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा। एन के बाद ओ, तो ओ का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, पी, पी का मिरर इमेज चेंज होता है। अगर क्यू बात करते हैं तो क्यू का भी मिरर इमेज चेंज होता है, आर, आर का मिरर इमेज चेंज होता है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि किसका मिरर इमेज किस प्रकार होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एस, एस का मिरर इमेज इस तरह होता है, टी, टी का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, यू, यू का भी मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, भी, भी का भी
मिरर इमेज चेंज नहीं होता है। W, अगर W का बात किया जाए तो W का भी मिरर इमेज चेंज नहीं होता है। X, तो X का भी मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। और एक है Y, अगर Y इस तरह रहेगा तो उसका मिरर इमेज चेंज नहीं होगा, बट अगर Y इस तरह होता है तो उसका मिरर इमेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके होगा। तो इस हिसाब से, और Z, अगर Z का बात किया जाए तो Z का भी मिरर इमेज चेंज हो जाता है। तो देखते हैं किसका किसका मिरर चेंज नहीं। सो गाइस, हम लोग देखें मिरर इमेज जिसका सेम होता है, ठीक है ना। तो ए अल्फाबेट्स जिसका मिरर इमेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो टोटल कितना मिरर इमेज की संख्या जो है 11 है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फाबेट्स की कितनी ऐसी नंबर्स है जिसकी मिरर इमेज समान होती है, तो 11, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाए कि अल्फाबेट्स की ऐसी कितनी नंबर्स है जिसकी मिरर इमेज समान नहीं होती है, तो क्या करेंगे, 26 में 11 को माइनस करेंगे, तो जो आएगा आंसर वो क्या होगा, 15। तो 15 ऐसी नंबर्स जिसकी मिरर इमेज समान नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इमेज, ठीक है ना। वाटर इमेज में क्या होता है, अगर ये राइट है और अगर ये लेफ्ट है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे अप और इसको बोलेंगे डाउन, ठीक है। वाटर इमेज में राइट तरफ का जो भी इमेज है वो राइट तरफ ही होता है, और लेफ्ट तरफ का जो भी इमेज है वो लेफ्ट तरफ ही होता है। क्या बोले, राइट तरफ का जो भी इमेज है वो राइट तरफ ही होता है, और लेफ्ट तरफ का जो भी इमेज है वो लेफ्ट तरफ ही होता है। बट इसमें एक्सचेंज ये होता है कि अप जो है वो डाउन में कन्वर्ट होता है, अप जो है वो डाउन में कन्वर्ट होता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह फिगर है, तो ये लकीर हो गया, यहाँ पर गोल हो गया, ठीक है ना। अगर इसका बात करते हैं तो ये राइट है, कुछ इस तरह हो गया, ये कुछ इस तरह, ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे की ओर है तो ये थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर है तो ये थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, देन राउंड है, गोल है तो गोल हो जाएगा, ठीक है ना। बस इस तरह करके जो फिगर है वो बनेगा। तो चलिए अल्फाबेट सीरीज में देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम होता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम नहीं होता है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N, O, P, Q, R, चलिए R के बाद S, T, U, V, W, X, Y, J। वाटर इमेज क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। अगर A का वाटर इमेज देखा जाए तो कुछ इस तरह होगा, बी का वाटर इमेज देखा जाए तो कुछ इस तरह होगा, तो बी चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है ना। सी कुछ इस तरह, तो सी भी चेंज नहीं होता है। डी का वाटर इमेज देखा जाए तो किस इस तरह, डी भी चेंज नहीं होता है। ई का वाटर इमेज देखा जाए तो इस तरह, ई भी चेंज नहीं होता। तो जो जो चेंज नहीं होता उसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल करके गोल इसको बाउंड्री करते जाएंगे। एफ, एफ क्या होता है, एफ चेंज होता है, एफ का जो वाटर इमेज है वो चेंज होता है, ठीक है ना। जी, तो जी भी चेंज होता है। अगर एच का बात किया जाए तो एच का वाटर इमेज चेंज नहीं होता है। आई, तो आई का भी वाटर इमेज चेंज नहीं होता है। जे,
तो जे का भी वोटर इमेज क्या होता है, चेंज होता है के, के का भी वोटर इमेज चेंज नहीं होता है। अगर एल का बात करते हैं तो एल का भी वोटर इमेज चेंज होता है। एम, तो एम का भी वोटर इमेज चेंज होता है। एन, तो एन का वोटर इमेज चेंज होता है। अगर ये इस तरह है तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ओ का वोटर इमेज चेंज नहीं होता है। पी, पी का वोटर इमेज चेंज होता है। क्यू का भी वोटर इमेज चेंज होता है। आर का बात किया जाए तो आर का भी वोटर इमेज चेंज होता है, ठीक है। चलिए एस का बात करते हैं तो एस का भी वोटर इमेज चेंज होता है कुछ इस तरह। टी का भी वोटर इमेज चेंज होता है, यहाँ पे यू होना चाहिए और यू का भी वोटर इमेज चेंज होता है। वी का भी वोटर इमेज चेंज होता है। डब्ल्यू का भी वोटर इमेज चेंज होता है। देन एक्स का वोटर इमेज चेंज नहीं होता है, वाई, तो वाई का भी वोटर इमेज चेंज होता है। देन जेड का भी वोटर इमेज अगर मिरर इमेज में देखें तो मिरर इमेज में सेम संख्या जो है वो 11, ठीक है, और सेम ना आने की संख्या जो है वो 15 है, ठीक है। अगर वाटर इमेज का बात करें तो वाटर इमेज में टोटल जो है ऐसे अल्फाबेट्स जो जिसकी वाटर इमेज समान होता है उसकी नंबर कितना देखें, 9, ठीक है। ऐसी इतनी नंबर्स जिसकी जिसकी वाटर इमेज समान होता है उसका नंबर 9। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि अल्फाबेट्स की कौन सी कितनी नंबर्स जिसकी वाटर इमेज समान नहीं होती है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे 26 में 9 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है ना। तो 17 ऐसी नंबर्स अल्फाबेट्स की है जिसकी वाटर इमेज समान नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये तो मिरर इमेज और वाटर इमेज वाला क्लियर हो गया। पेपर कटिंग, तो पेपर कटिंग का कुछ ट्रिक है जो कि पहले ही हम लोग क्या किए हैं, इसको डिटरमाइन कर दिए हैं। पेपर कटिंग में ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी फिगर दिया जाता है जिसका 1/4 पार्ट दिया जाता है, ठीक है, और बोला जाता है कि इसको ओपन किया जाता है, तो वह ओपन किया हुआ पेपर का जो कट भाग है वो किस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कॉर्नर में अगर कट हुआ है, ठीक है, और बीच में एक सर्कल है, ठीक है, अगर इसको ओपन किया जाए, अगर उसको राइट साइड ओपन किया जाए तो बीच में जो सर्कल है वो इसका भी बीच में सर्कल आएगा, ठीक है, इसका कॉर्नर इसका भी कॉर्नर होगा, बट इसका भी कॉर्नर इधर वाला भी कॉर्नर होगा, ठीक है ना। तो ये तो उस पेपर का 1/2 पार्ट है, ये उसका 1/4 पार्ट है, बट अगर उसको नीचे तरफ अगर फॉल्ड किया जाए तो वो जो पेपर कटिंग होगा वो 4/4 यानी कि फुल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो फुल होगा तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, क्या होगा कि बीच में जो दो सर्कल होगा वो नीचे तरफ भी होगा, जिस तरह अगर इसका बात करेंगे तो इसका मिरर इमेज, इसीलिए पहले क्या किए मिरर इमेज और वाटर इमेज पहले पढ़ाए ताकि पेपर कटिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका क्या किए मिरर इमेज किए, तो मिरर इमेज इधर आया, बट इसका क्या करेंगे वाटर इमेज करेंगे, ठीक है ना। तो वाटर इमेज नीचे, जैसे कि दो सर्कल बीच में, तो इसका दो सर्कल बीच में आएगा, ठीक है ना, कॉर्नर कॉर्नर बीच में लास्ट में जो है कॉर्नर कॉर्नर आएगा, बट यहाँ जो बीच में जो ये दिख रहा है 1/4 पार्ट, ये जो होगा इसका हाफ पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह करके। चलिए और एक दो फिगर देख लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह करके है, ठीक है ना, 1/4 पार्ट। अगर ये यहाँ पर अगर ट्रेंगल दिया जाए और यहाँ पर हाफ सर्कल दिया जाए, ठीक है ना, और अगर इसको इधर ओपन करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज जैसे हो जाएगा तो वो क्या होगा, ये जो हाफ सर्कल है वो फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा,
यहाँ जो ट्रायंगल है वो यहाँ भी कट होगा, कट मार्क। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या करना है, एक फुल पेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर फुल पेज में अगर उसको ओपन करेंगे, ये क्या है उसका हाफ पेज है, हाफ पेज को अगर फुल पेज में ओपन करेंगे तो क्या करना है हम लोग को, वाटर इमेज करना है। ठीक है ना, तो वाटर इमेज ये हाफ फुल सर्कल नीचे भी आ जाएगा फुल सर्कल। ठीक है ना, फुल सर्कल जो है वो नीचे भी फुल सर्कल आ जाएगा क्योंकि वाटर इमेज है। अच्छा चलिए, यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, वाटर इमेज में अप वाला नीचे डाउन हो जाता है कुछ इस तरह करके, और यहाँ भी कुछ इस तरह करके। तो क्या होगा कि क्वेश्चंस में चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन में से कोई भी ऐसा आकृति जो इससे मिलता हुआ है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर कटिंग में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही पेपर कटिंग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो बन पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।